يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یہودیوں کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس وقت بھی مختصراً عرض کروں کہ مدینہ شریف کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے وہ نسلی برتری کے زعم میں مبتلا تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو دوسری قومیں ہیں وہ کمتر ہیں اور ہم برتر ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے ان کا ایک دوسرا خیال یہ تھا کہ نبوت ہمارے خاندان ہی میں جاری رہے گی بنی اسرائیل میں جاری رہے گی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تو ان کو حسد ہو گیا قبول حق سے انکار کی ایک وجہ یہ تھی جو حق قبول نہیں کر رہے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی جو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو مال کا ملنا بند ہو جائے گا اور ہمارا مرتبہ اور منصب باقی نہیں رہے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
इत्तिबा हम करेंगे, ताबेदारी करेंगे, ईमान ले आएंगे, तो ये सरदारी, ये मनसब, ये माल का मिलना सब खत्म हो जाएगा। ये भी एक रुकावट थी। वो जो हक कबूल नहीं कर रहे थे उसकी एक वजह ये भी थी। ये माल की हिर्स और मर्तबे की हिर्स, उसका इलाज बतलाया गया। फरमाया वअकीमु الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين, नमाज कायम करो, उसके जरिए मर्तबे की हिर्स की जो बीमारी है, हुब्बे जाह जिसे कहते हैं, बड़ा बनने की ख्वाहिश, वो बीमारी कम होगी, इस बीमारी से शिफा नसीब होगी, सही तौर पर नमाज कायम करेगा। वआतु ज़का, ज़कात अदा करो तो बुख़ल की लानत से नजात मिलेगी, माल की हिर्स कम होगी। ये दोनों जो बीमारियां थी यहूदियों के अंदर, माल की हिर्स और हुब्बे जाह, बड़ा बनने की ख्वाहिश, उसका इलाज बतलाया। नमाज कायम करने से हुब्बे जाह की बीमारी में कमी आएगी, और ज़कात अदा करने से बुख़ल की लानत से नजात मिलेगी, माल की जो हिर्स और लालच है उसमें कमी आएगी। वरकअउ मअर राकिईन, आजीजी करो आजीजी करने वालों के साथ, खुशू खुजू और आजीजी, ये एक बातिनी सिफत है, उसका ताल्लुक कल्ब से है, दिल से है। जब बातिन में तवाज़ू होगा तो हसद वगैरह चीजों से भी नजात मिल जाएगा, अल्लाह नजात अदा फरमाएंगे। बहुत बड़ा सबक है। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने फरमाया, बड़े मुफस्सिर, बड़े आलिम, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया कि यहूदियों के अंदर जो बीमारियां थी, माल की हिर्स और बड़े बनने की ख्वाहिश, हुब्बे जाह, आज भी अक्सर व बेशतर लोग इन दोनों की वजह से खैर से महरूम हो रहे हैं। आज जो लोग खैर से महरूम होते हैं, भलाई से महरूम हो रहे हैं, उसकी वजह ये जो बीमारियां है, माल की लालच और बड़ा बनने का शौक, इन दो बीमारियों की वजह से आज भी अक्सर लोग महरूम हो रहे हैं। एक रिवायत सुनो, रिवायत से बात साबित है कि दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवर में हमला करें, रात का वक्त है, चरवाहे मौजूद नहीं है, ऐसी हालत में बकरियों के रेवर पर दो भूखे भेड़िए हमला करें, तो वो कितना फसाद मचाएंगे, कितना नुकसान करेंगे, उससे भी ज्यादा नुकसान माल और मर्तबे की मोहब्बत की वजह से इंसान की दीनदारी को होता है। रिवायत से बात साबित है, दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रिवर पर हमला करे, और ऐसी हालत में कि रात का वक्त हो, चरवाहे मौजूद न हो, तो वो बकरियों के रेवर में कितना फसाद मचाएंगे, कितना नुकसान करेंगे,
उससे भी ज्यादा नुकसान माल की हिर्स, मर्तबे की लालच, मर्तबे की मोहब्बत की वजह से इंसान की दीनदारी को होता है। जब हुब्बे जा और हुब्बे माल का भेड़िया इंसान के दीन पर हमला करता है, इंसान की दीनदारी पर हमलावर होता है, तो बहुत मुश्किल है कि इंसान की दीनदारी का कोई हिस्सा सही और सालिम रह जाए। उलमा ने इस रिवायत की रोशनी में वजाहत की है कि जब हुब्बे जा और हुब्बे माल का भीड़िया इंसान की दीनदारी पर हमलावर होता है, हमला करता है, तो बहुत मुश्किल है कि इंसान की दीनदारी का कोई हिस्सा सालिम सही रह जाए। बहुत बड़ा नुकसान इंसान उठाता है। हुब्बे जा, मर्तबे, मनसब और ओहदे की ख्वाहिश, बड़ा बनने का शौक, उसकी एक शक्ल तो ये है कि आदमी दौलत के जरिए, हुकूमत के जरिए, माल के जरिए ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करे। जो आदमी ओहदे और मनसब का तलबगार होता है, अब मैं ये आयत की रोशनी में समझा रहा हूं क्योंकि उसमें हुब्बे जाह का इलाज बतलाया गया, हुब्बे माल का इलाज बतलाया गया। जो आदमी बड़ा बनने का ख्वाहिशमंद होता है, शौक रखता है, मर्तबे को चाहता है, मनसब का तालिब होता है, उसका सवाल करता है और फिर सवाल के बाद उसको मनसब मिलता है, तो अल्लाह की मदद से वो महरूम रहता है। अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल नहीं होती है। अंजाम ये होता है कि वो दूसरों पर जुल्म कर बैठता है, नाइंसाफी करता है, तकब्बुर करता है, ज्यादती करता है और तलब और सवाल के बगैर कोई मनसब मिलता है। लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके नतीजे में किसी अल्लाह वाले को, नेक बनने को कोई मनसब कबूल करना पड़ता है, तो अल्लाह की जानिब से नुसरत और मदद होती है, अल्लाह उसकी मदद फरमा दे। इसलिए अल्लाह के नेक बनों का यह मामूल रहा है कि जो आदमी ओहदा तलब करता है, मनसब तलब करता है, उसको मनसब नहीं देते। मनसब और ओहदे का हरीस और लालची, पहले तो ओहदे हासिल करने के लिए जो उसके असबाब होते हैं वो हासिल करता है, उन असबाब को इख्तियार करता है। ओहदा जब हासिल हो जाता है तो उसकी बकार इस्तेहकाम के लिए, ओहदा बाकी रहे उसके लिए, वो जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तकब्बुर करता है, नाइंसाफी करता है। इसने फरमाया कि बकरियों के लेवर में भेड़िया, दो भूखे भेड़िए जितना फसाद मचाते हैं उससे ज्यादा नुकसान इंसान की दीनदारी को होता है, इस लालच की वजह से। हुब्बे जाह की दूसरी शक्ल, इल्म और इबादत के जरिए इंसान बड़ा बनने की ख्वाहिश पूरी करे। जो बड़ा बनने की ख्वाहिश है वो इल्म के जरिए पूरी करे, अपने इल्म का दिखावा करे, अपनी इबादत का दिखावा करे। उसके बारे में फरमाया जो इल्म अल्लाह की रिजा के लिए हासिल किया जाता है उससे इंसान दुनिया हासिल करे, दुनिया हासिल करने का जरिया बना ले, माल और मर्तबे का जरिया बना ले, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा।
जिस इल्म से अल्लाह की रजा हासिल की जाए, उस इल्म को वो दुनिया हासिल करने का जरिया बना ले, माल का, मर्तबे का, तो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। तीसरी शक्ल हुब्बे जाह की, इंसान तकवा की नुमाइश करे कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, उसका दिखावा करे, शो करे, और उसके जरिए बड़ा बनने की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करे। तो ये तो हुब्बे जाह के मुतालिक मैंने अर्ज किया। दूसरी चीज जिसकी वजह से दीनदारी को नुकसान होता है, माल की हिर्स। माल की हिर्स जब बढ़ती है तो इंसान शुह में मुब्तला होता है। शुह कहते हैं कि हलाल और जायज तरीकों से आगे बढ़कर इंसान नाजायज और हराम तरीकों में पड़ जाए और हक तलफी करने में मुब्तला हो जाए, हक वालों का हक ना दे। जब शुह में मुब्तला हो जाता है तो इंसान के ईमान का बहुत थोड़ा हिस्सा बाकी रह जाता है। जो आदमी दुनिया की माल की हिर्स में मुब्तला होता है वो दुनिया में भी खुश नहीं रह सकता, हिर्स की वजह से टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहता है और आमाले सालिहा से भी महरूम रहता है। इसलिए एक अल्लाह वाले ने एक आदमी को नसीहत की कि तू दुनिया का खादिम बना हुआ है, हालांकि दुनिया तुझे धक्का दे रही है, दुनिया हराज कर रही है, दुनिया मुंह मोड़ रही है, और तू दुनिया का खादिम बना हुआ है, हिर्स कर रहा है। तो ये दो चीजें, ये दो बीमारियां बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। माल की हिर्स से भी ज्यादा खतरनाक मर्तबे की हिर्स है, मनसब की हिर्स है, जाह की हिर्स है, जिसकी वजह से इंसान इबादत का दिखावा करता है, तकवा का दिखावा करता है, अपना इल्म बतलाता है लोगों को, इस नियत के साथ इल्म का इजहार करता है कि लोग मुझे बड़ा आलिम समझे, लोग मुझे बड़ा अल्लामा समझे, लोग मुझे बड़ा इल्म वाला कहे। ये जाह की वजह से, मर्तबे की और मनसब की लालच की वजह से होता है। नतीजा ये होता है कि इंसान इखलास से महरूम हो जाता है, इखलास की दौलत से महरूम हो जाता है। कुरान शरीफ की आयत है, तिल्कत दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्द वला फसादा। 20वें पारे में है यह आयत। इस आयत से पहले कारून का तस्कीरा है। इस आयत में फरमाया गया कि दारे आखिरत हम उन लोगों के लिए खास करते हैं जो दुनिया में बड़ा ही नहीं चाहते, बड़ा बनना नहीं चाहते और फसाद करना नहीं चाहते। कारून में दोनों चीजें थी, वो बड़ाई भी चाहता था और फसाद भी करता था। अल्लाह फरमाते हैं कि हम दारे आखिरत को, जन्नत को, आखिरत की नेमत को उन लोगों के लिए खास करते हैं जो बड़ा बनना नहीं चाहते, बड़ाई नहीं चाहते, तकब्बुर नहीं करते, दुनिया में फसाद नहीं करते। अक्सरों बेशतर ऐसा होता है, अक्सरों बेशतर, कि जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को कुछ समझता है कि मैं कुछ हूं, वो बड़ा बनना भी चाहता है। वो चाहता है कि सब मेरी बात माने, सब मेरे मातहत बनकर रहे, सब पर मेरी हुकूमत चले। ये
तकब्बुर में मुब्तला होने का नतीजा होता है। और अल्लाह के नेक बंदों की यह सिफत नहीं है कि अपने आप को बड़ा समझे, ये अल्लाह के दुश्मनों की आदत है कि वो अपने आप को बड़ा समझते। अपने आप को बड़ा समझना ये अल्लाह के नेक बंदों की आदत नहीं है। मखलूक में सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत और उनकी जिंदगी पढ़िए। जब सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ आप चलते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ चलते थे तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। जब सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ बैठे हुए होते थे तो आपका जानू मुबारक सहाबा के जानू से आगे नहीं बढ़ता था। इस तरह नहीं बैठते थे कि इम्तियाजी शान मालूम हो, इसलिए आने वाले को पूछना पड़ता था कि तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ऐसा होता था कि आने वाला जो जिसने कभी देखा नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पहचानता नहीं था, उसको पूछना पड़ता था कि तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इस तरह नहीं बैठते थे कि इम्तियाजी शान मालूम हो। एक मर्तबा एक आदमी आया, मैं बतलाता हूं कि अल्लाह के नेक बंदे उनकी सिफत क्या होती है, उनके अंदर तवाजू होती है, और जो दुश्मन अल्लाह के होते हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। और अक्सरों में इस तरह ये होता है कि जो बड़ा समझता है वही बड़ा बनने की ख्वाहिश करता है, हुब्बे जाह में मुब्तला होता है। इसलिए मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत पेश कर रहा हूं। एक आदमी आया, कांपने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो कांपने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डरो मत, मैं उस औरत का बेटा हूं जो गोश्त सुखाकर इस्तेमाल कर दी थी। कैसी तवाजू थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबी बनने से पहले ईसाई थे, उन्होंने पहली किताबें पढ़ी हुई थी, बाद में वो मुसलमान हुए, सहाबी बन गए। वो जब आए तो उन्होंने सोचा कि मैं देखूं कि आपके अंदर नबुव्वत की शान है या बादशाहत की शान है, बादशाहों की शान है या नबुव्वत की शान है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाने लगे तो वो भी साथ चल दिए। एक औरत गालिबन जिसके दिमाग में कमजोरी थी, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मुझे आपसे कुछ जरूरत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जहां भी जरूरत हो मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं चलूंगा और तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। अली इब्ने हातिम समझ गए कि ये नबुव्वत की शान है। बादशाह ऐसा नहीं कर सकता कि ये कहे कि तुम्हें जहां भी जरूरत है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वो तो खादिमों को कहने का उसकी जरूरत पूरी करो, बल्कि वो तो देखना भी बात सुनना भी गवारा नहीं करेगा। और यहां ये हालत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जरूरत पूरी करने के लिए फरमा रहे हैं।
फतेह मक्का के मौके पर फातिहाना जब दाखिला हुआ उस वक्त भी तवाजु के साथ दाखिल हुई, कोई अकड़ नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। हालांकि फातिह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे हैं लेकिन तवाजु थी। तो अल्लाह के नेक बंदों की यह सिफत है कि अल्लाह के नेक बंदे उनमें तवाजु होती है, और जो अल्लाह के जो दुश्मन होते हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और उस ख्वाहिश के नतीजे में वो चाहते हैं कि लोग हमारी खुशामद करें। बड़ा बनने की ख्वाहिश के नतीजे में वो ये चाहते हैं कि लोग हमारी खुशामद करें, चापलूसी करें। जो लोग उनकी खुशामद नहीं करते हैं उनको किसी भी बहाने से सताने की कोशिश करते हैं, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पर जुल्म और ज्यादती करते हैं, उन पर गलत गलत इल्जाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, ये हुब्बे जाह के सब भयानक नतीजे हैं। बड़ा बनने की जो ख्वाहिश है उसके भयानक नतीजे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ ही करते रहे हालांकि वो काम मजम्मत के लायक होते हैं, तारीफ के लायक भी नहीं होते, ऐसे काम करते हैं फिर भी वो चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी वाहवाह करें। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की सिफत ये है कि उनके अंदर तवाजु होती है। एक मरतबा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इरशाद फरमाई कि लोग इत्तिहाद की बात करते हैं कि मुसलमानों में इत्तिहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तिहाद की जो जड़ है उसको इख्तियार करने की फिक्र नहीं करते हैं। इत्तिहाद यूनिटी एकता उसकी जड़ तवाजु है कि इंसान अपने आप को छोटा समझे। हर एक आदमी अपने आप को बड़ा समझेगा, बड़ा बनने की कोशिश करेगा और ये सोचेगा कि मेरी बात मान ली जाए। हर एक ये सोचेगा कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए। इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता। इत्तिहाद की जड़ तवाजु है कि आदमी अपने आप को छोटा समझे, बंदा बनकर रहे, अब्दियत उसके अंदर हो, बंदगी हो, अल्लाह सबसे बड़ा है उसका यकीन हो, अल्लाह की अजमत को पेशे नजर रखकर जिंदगी गुजारे। मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू उनका एक मुखालिफ था, उनके खिलाफ साजिशें करता था। जब भी वो बस्ती में हजरत जाते थे तो उसके घर पर जाते और मुलाकात करते थे। हजरत के जो चाहने वाले थे उन्होंने एक बुजुर्ग से कहा कि हजरत को मना कीजिए कि उसके घर पर न जाए, वो तो हजरत के खिलाफ साजिशें करता है, प्लान करता है, हजरत को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो वो बुजुर्ग टालते रहे उन लोगों की बात को, एक मरतबा, दो मरतबा, जब तीसरी मरतबा कहा तो उन्होंने कहा मैं उस शख्स को कैसे रोकूं जो अपने आप को हर इंसान से, तमाम इंसानों से कमतर समझता है। मौलाना कासिम नानोतवी बानी दारुलूम देवबंद उनके बारे में फरमाया मैं उस शख्स को कैसे मना करूं जो अपने आप को हर इंसान से कमतर समझता है। मौलाना रशीद अहमद गंगोई नवर अल्लाह उमर कदहू कुतुब वक्त के बहुत बड़े वली जिनकी सोहबत में मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह रहे, हजरत शेख जकरिया के वालिद वो भी रहे, मौलाना इलियास कादरवी हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह वो भी उनकी सोहबत में रहे, इतने बड़े अल्लाह के वली। वो एक मरतबा हदीस शरीफ का दर्स दे रहे थे, हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, एक हदीस शरीफ आई
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यूनुस इब्ने मत्ता पर फजीलत मत दो। अल्लाह के नबी थे यूनुस अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया कि मुझे यूनुस इब्ने मत्ता पर फजीलत मत दो। ये हदीस शरीफ आई। तलबा ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी तो यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे कह सकते थे? ये सवाल किया। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे नजर अल्लाह की अजमत थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है वो आपकी तवाजु थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाजु थी। जिस बंदे के पेशे नजर अल्लाह की अजमत होती है वो तवाजु करता है, वो अपने आप को छोटा समझता है। फिर भी तलबा को समझ में नहीं आया, वो सवाल करते रहे सवाल करते रहे। हजरत ने पूछा कि आप लोग मुझे कैसा समझते हो? तलबा ने कहा हम आपको अल्लाह का वली समझते हैं। हजरत ने पूछा मुझे सच्चा समझते हो? तलबा ने कहा जब हम आपको अल्लाह का वली मानते हैं तो सच्चा ही समझेंगे, आपको झूठा कैसे समझ सकते हैं। फिर हजरत ने कसम खाकर कहा कि खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं तुम में से हरेक को अपने से हजार दर्जा बेहतर समझता हूं। मैं तुम में से हरेक को कसम खाकर कहा कि अपने से हजार दर्जा बेहतर समझता हूं। जब तलबा ने यह सुना तो चीखें निकली और बाज बेहोश हो गए, हजरत कमरे में चले गए। दूसरे दिन फिर जब सबक शुरू हुआ पूछा कि समझ में आ गया? तो तलबा ने कहा जी समझ में आ गया। तो जो आदमी हकीकत में बड़ा होता है वो अपने आप को छोटा समझता है, तवाजू करता है, और जो कमीना और रजील होता है वो बड़ा समझता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है और उसके नतीजे में बड़ी खैर से महरूम हो जाता है। तो ये जो बीमारियां बड़ी खतरनाक है, हुब्बे जाह और हुब्बे माल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इलाज बतलाया وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, नमाज कायम करो और जकात अदा करो। नमाज अच्छी तरह कायम करोगे, इकामत सला सही माने में नसीब होगा तो हुब्बे जा की बीमारी कम होगी, और जकात सही तौर पर अदा करोगे तो हिर्स की बीमारी कम होगी, अल्लाह उससे नजात नसीब कर देंगे। और जब खुशू और आजीजी नसीब होगी, बातिनी तौर पर तवाजु नसीब होगी तो हसद वगैरह से निजात मिलेगी। अल्लाह इन रजाए से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिल की दुनिया को अल्लाह आबाद फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिही।